हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड एंजॉय आवर रिएक्शन। सो गाइस, मैं हूँ ईमा। मैं हूँ आशा। तो आज का वादे वीडियो टाइटल इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो टू रन इन दिल्ली। आई एम सो एक्साइटेड। ड्राइवरलेस मेट्रो, वाओ। तो बंधुरा, ভিডিওটি দেখার জন্য আমরাও অনেক বেশি কৌতূহল এবং আমরাও অনেক তাড়ার উপরে আছি যে কখন দেখব কখন দেখব। তো আমরাও অপেক্ষা করছি এবং অপেক্ষা ফল নাকি মিঠা হয় শুনেছি। তো মিঠা ফল পেতে গেলে তার আগে আমরা কথা বলতে চাই, সেটি হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অ্যান্ড গাইস, আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লিঙ্ক ফলো করতে হয় নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে, দেখুন ফলো করুন। অ্যান্ড গাইস, আমাদের আর একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে আপনাদের। সো আমরা এখন থেকে আপনাদের জন্য দুইটা করে ভিডিও আপলোড দেবো ডেইলি। সো বাংলাদেশের টাইমে আমাদের এখানে বিকেল 5টা এবং ইন্ডিয়ার টাইমে 4:30, এন্ড বাংলাদেশের টাইমে রাত 10টা এন্ড ইন্ডিয়ার টাইমে 9:30। সো গাইস, আশা করি আপনারা অবশ্যই এই অপেক্ষায় থাকবেন আমাদের ভিডিও দেখার জন্য, এবং আমরা অনেক খুশি হব যে আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখেন। সো গাইস, চলুন, অপেক্ষা তো শেষ, ফলটা ভোগ করি, তাই না? একদম, লেটস গো। দোস্তো, দিল্লি কে अंदर चालू होने वाला है पहला देश का ড্রাইভারলেস মেট্রো। আপনি यहां पर न्यूज़ देख सकते हो, दिल्ली मेट्रो PM Modi to flag off India's first ever driverless train service on 28th of September. तो basically इसमें खास बात क्या है? इन driverless metro की हम बात कर रहे हैं, क्या actual में कोई भी driver नहीं होगा उसमें? क्या क्या changes होने वाले हैं? कहां पर होगा? सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मोहित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आई प्ले स्मार्ट कोर्स से, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाओ ना भाई। ऑलरेडी भारत के जो अर्बन एरियाज हैं ज्यादातर, वहां पर जो मेट्रो है उसकी सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन दिसंबर 28 को एक और माइलस्टोन अचीव होगा, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो फ्लैग ऑफ है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर गए हैं तो आपको पता होगा, अलग अलग कलर के नाम से वहां पर लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लाइन नंबर 8 है, इसको मैजेंटा लाइन भी कहा जाता है, मैं भी आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा भी। तो वहां पर ये लॉन्च होने वाला है। ये 38 किलोमीटर का पूरा लाइन है, जनकपुरी से लेकर आपका बोटैनिकल गार्डन तक जाता है, वहां पर ये पहला लॉन्च किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर जो अभी के हिसाब से अगर आप देखिए जितना नेटवर्क है उसकी लेंथ है करीब 390 किलोमीटर। जी हाँ, इतना बड़ा लेंथ ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो चुका है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रो रेल का, वो आपको कौन से शहर में देखने को मिलेगा? कौन से देश के अंदर, कौन से शहर में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मेट्रो रेल होता है उसका? क्या यहाँ पर आते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत होती है 24th of December को 2002 में। तो यहाँ पर 8.4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है शाहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये आपका रेड लाइन हम इसको कहते हैं। तो उसके बाद से लगातार ये ग्रो करता रहा है और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि फेज 4 का एक्सपेंशन कर दिया जाएगा, जहां पर 61 किलोमीटर और यहां पर ऐड किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ड्राइवरलेस जो सर्विसेज होने वाली है मेट्रो रेल के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर, तो ये क्या है कि बेसिकली इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रूल्स है वो नया लेकर आए। तो यहां पर मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स 2020 लाया गया है, ताकि यहां पर जो ड्राइवरलेस मेट्रो है उसको यहां पर चलाया जा सके, क्योंकि पहले के रूल में ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो होगी, क्या सभी लाइन पर, मतलब कि दिल्ली मेट्रो के अंदर क्या सभी लाइन पर इसको चलाया जाएगा? जी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट लाइन बना है, न्यू टेक्नोलॉजी से जो आपका सब कुछ बना है, तो जैसे कि लाइन नंबर 7 हो गया और लाइन नंबर 8 हो गया, जो कि फेज 3 के एक्सपेंशन में किया गया था। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, आप देख सकते हो सबसे पहला जो लाइन था वो रेड वाला लाइन था, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, सबसे पहला लाइन था। उसके बाद येलो वाला आया, फिर ब्लू वाला, इस तरह से करते करते आज के डेट में काफी बड़ा फैल चुका है। तो यहां पर जो हम लाइन 8 की बात कर रहे हैं, मैजेंटा लाइन की, ये वाला है जो आप देख सकते हो साउथ दिल्ली को कनेक्ट करता है एक तरह से, ये जनक
उरी वेस्ट हो गया, वहां से स्टार्ट होकर ये जाता है बोटैनिकल गार्डन, ये नोएडा के अंदर पहुंचता है, राइट। तो ये यहाँ पर पहला मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो इसी लाइन पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा ऑल्दो इसके अंदर हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जो इनर सर्कल है आपका, बेसिकली ये वाला पार्ट, इसको लाइन नंबर 7 कहते हैं। बेसिकली जो आनंद विहार स्टेशन है उससे ये कनेक्ट करता है पूरा यहाँ पर, यहाँ पर भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो हर जगह नहीं किया जा सकता, ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लाइन 8 और लाइन 7 है वहीं पर ये किया जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट फेजेस में बनाए गए हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी बेटर है, एडवांस्ड सिग्नलिंग के टेक्नोलॉजी है, वहीं पर इस तरह की चीजें हम ला सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अभी के हिसाब से यहां पर जो ड्राइवर्स होते हैं मेट्रो के अंदर उनका कितना कंट्रोल होता है, क्या वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं? देखिए, अब डिपेंड करता है कि जो मेट्रो है वो कौन से लाइन पर चल रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है कि ये रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, ऑल्दो हमें लगता है कि ड्राइवर है मेट्रो के अंदर, लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आप देखोगे तो वो कमांड रूम से ही ऑपरेट होती हैं। कमांड रूम ये कहते हैं इसको, ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर टीम होती है इंजीनियर्स की और यहाँ पर सभी चीजों को कंट्रोल करती है। तो ये जो ओसीसी है, दैट इज ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, ये एक तरह से आप कह सकते हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स की तरह होता है। जैसे एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा बड़ा सा टावर होता है और यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं स्क्रीन होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही मेट्रो के अंदर भी इस तरह का जो आपका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं और सब कुछ यहीं से ऑपरेट किया जाता है। और दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखिए तो टोटल 3 इस तरह के ओसीसी आपको देखने को मिलेंगे, 2 है आपका मेट्रो हेडक्वार्टर पर और 1 है आपका शास्त्री पार्क पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ यहीं से नहीं होता है, ज्यादातर चीजें होती हैं जो पुरानी लाइंस हैं, जैसे कि रेड लाइन हो गया, येलो लाइन हो गया, ब्लू लाइन हो गया, यहां पर जो जो आपका ड्राइवर है उसके पास काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया लाइन 1, 3, 4 इन सब जगह पर यहाँ पर ड्राइवर का कंट्रोल ज्यादा होता है, वो सब कुछ वही ऑपरेट करता है, जैसे कि डोर को ओपन कब करना है, क्लोज कब करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है। लेकिन हाँ, वहां पर भी अगर आप देखोगे जो टारगेट स्पीड है वो डिसाइड किया जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के द्वारा, मतलब कि उस पर्टिकुलर लेन में यहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना लिमिट तक रहेगा, वो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, वहां पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। तो अब हम आते हैं कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस मेट्रो की, तो क्या चीजें चेंज होंगी फ्रॉम 28th of December, 28 दिसंबर से जो मैजेंटा लाइन है, लाइन नंबर 8 मैंने आपको बताया अभी मैप में, वहां पर क्या चीजें चेंज होने वाली है। तो जो पहले का सिस्टम होता था उससे हम शिफ्ट हो जाएंगे डीटीओ सिस्टम पर। डीटीओ का मतलब है ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, एक होता है डीटीओ और एक होता है यूटीओ, मैं अभी आपको बताऊंगा। यूटीओ क्या है, ये हो कहते हैं हम इसको अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। और अभी के लिए क्या होगा कि 28 दिसंबर से जो है मैजेंटा लाइन पर ये आपका आ जाएगा ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस के अंदर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि सब कुछ ट्रेन कैसे चलेगी, डोर को लेकर हर एक चीज, मतलब कि ड्राइवर होगा उसके अंदर। ध्यान रखिएगा, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, इसका नाम डीटीओ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑपरेटर होगा ही नहीं मेट्रो में। होगा, एक बार के लिए होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। हर एक चीज मैंने आपको बताया, ये जो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है वहीं से सब कुछ, सारी चीजें की जाएंगी। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग लगाई गई है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजों को मॉनिटर करेगी। कोई भी ट्रबल शूटिंग होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको रिमोटली सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। बस मैनुअल इंटरवेंशन तभी आएगा कि अगर हमें हार्डवेयर में कुछ रिप्लेस करना है, मेट्रो का कोई हार्डवेयर है, कुछ भी अगर हमें रिप्लेस करना है तो वहीं पर मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है। अदरवाइज हर एक चीज उस मेट्रो का जो है वो ऑपरेशन कमांड कंट्रोल सेंटर से ही किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो कंट्रोलर्स हैं, जो ऑपरेशन कमांड कंट्रोल कमांड से सब कुछ देखेंगे, वहां पर सीसीटीवी से भी यहाँ पर सब कुछ निगरानी की जाएगी, प्रॉपर कैमरेज लगाए जाएंगे ताकि कुछ भी अगर गतिविधि प्रॉब्लम होती है वो आपका दूर से ही सॉल्व किया जा सके। लेकिन अभी भी हम यूटीओ से एक कदम पीछे हैं। यूटीओ क्या है, इसको कहा जाता है अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो मेट्रो होता है आपने देखा होगा आगे एक छोटा सा डब्बा लगा रहता है और यहाँ पर दोनों एंड पर छोटे छोटे एक डब्बे होते हैं जहां पर ड्राइवर एंट्री करता है, राइट, आपने देखा ही होगा। तो क्या होगा कि जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन है, यूटीओ है, उस केस में ये जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, इसको हटा दिया जाएगा। मतलब कि आप
आप यहाँ पर अगर बैठे हो एकदम एंड पे तो आप चीजों को क्लियरली देख पाओगे सामने क्या है। अभी के लिए आप नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर का केबिन होता है, तो ड्राइवर के केबिन ये सब चीजें हटा दी जाती है। कौन से केस में? यूटीओ के केस में, मतलब कि मेट्रो का कोई भी पर्सन उसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन जो है वो आपका दूर से ही ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वहां पर ऑपरेटर होगा, और ये क्यों होगा, क्योंकि बाई चांस सपोज अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर है अभी के लिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो चीजों को हैंडल कर सकता है, इसलिए यहां पर एक बार के लिए ऑपरेटर लगाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन कैमरास जब प्रॉपर फिट हो जाएंगे, ताकि जो जो ट्रेन की पटरी है, रेल है, आपका हर एक चीज उस पर निगरानी की जा सके, जो ओवरहेड वायर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर निगरानी की जा सके, तो प्रॉपर जो हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं वो सारी चीजें जब लग जाएंगी तो यहाँ पर जो आगे और पीछे का केबिन होता है ड्राइवर का उसको भी हटा दिया जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन जब चलाए जाएंगे तो क्या ये पूरी तरह से सेफ है? बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर डीएमआरसी ने बोला है कि अभी से हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जस्ट वहां पर ड्राइवर है, उसको उसके पास कोई बहुत ज्यादा ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है, सब कुछ दूर से ही की जाती है, बट इमरजेंसी के तौर पर उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरास वगैरह एक बार सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से ये पूरी तरह सेफ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो की बात कही जा रही है दिल्ली के अंदर, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने देखा होगा भारत के कई शहरों में जो मेट्रो रेल है वो आपका ऑपरेट हो चुका है, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि कौन से शहर में ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, कौन से शहर में, क्या आप मुझे बता सकते हो इन चार ऑप्शन में? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा में नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे एमसीक्यू यहां पर डाल देता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय। তো আমি প্রথমেই শুরু করতে চাইবো আমাদের এই নতুন টেকনোলজির জন্য, এবং এই নতুন টেকনোলজির জন্য সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আর দিন দিন কিন্তু আমাদের টেকনোলজি বেড়েই যাচ্ছে না? হ্যাঁ, আর সব থেকে আশ্চর্যের একটা বিষয় দেখো যে ইন্ডিয়া মেট্রো রেলের বিষয়, মেট্রো সার্ভিসের বিষয়টা দেখো যে এত দ্রুত তারা ডেভেলপ করেছে যে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে, মানে ফার্স্ট ট্রেন থেকে শুরু করে মেট্রো, এবং আজকে যে ভিডিওটা দেখলাম যে ড্রাইভারলেস, আমি তো অবাক, প্রথমে আমি অবাক ছিলাম ড্রাইভারলেস কেমন হবে, ফার্স্ট ভাবছিলাম কি আমি জানো যে রিয়াকশনটা দেবার আগে কি আমি একবার ভিডিওটা দেখব, বাট তারপর ভাবলাম না, তাহলে তো আপনার অরিজিনাল রিয়াকশন আমাদের পাবেন না, তো আমরা তো আগে থেকে সবকিছু জানি, এমন একটা রিয়াকশন দিতে হবে ফেক ফেক, বাট আমরা চাই আপনারা যেন আমাদের ট্রু রিয়াকশনটা দেখতে পান। তো আমরা আসলে অনেক অবাক হয়েছি এবং অনেক কিছু জানতেও পারলাম, এবং ফার্স্ট টাইম ভাবছিলাম ড্রাইভারলেস যেহেতু অনেক রিস্কি হবে, কিভাবে এটা আসলো, এরকম টেকনোলজি কেন, বাট এখানে আমরা ভিডিওটা দেখলাম অনেক সচেতন, এবং এখানে সায়েন্সের একটা বাহবা দিতেই হয়, কারণ একদম সায়েন্স আছে বিধায় এত দূর একটা জিনিসকে পরিকল্পনা করে এত সুন্দরভাবে সাকসেসফুল হওয়াটা সো টাফ, সায়েন্স আছে বিধায় আমাদের পক্ষে সম্ভব এটা, এবং কর্ম তো অবশ্যই আছে, কর্ম আছে এই জন্যে আমরা বিষয়টাকে এত সার্ডেনলি এবং আমরা জনগণের মাঝে, আম পাবলিকের মাঝে এটা আমরা এত দ্রুত আনতে পেরেছি। এবং আসলে আমরা কেন বলছি জানি না, আমরা বেশি এত এক্সাইটেড হয়ে গেছি, মানে আপনাদের দেশটাকে নিজের দেশ হিসেবে নিয়ে ফেলেছি, তো মনে হয় এটা ভালো কিছুই, তাই না? আমরাই তো রাইট, আপনারা যে আমরাও তা, তো দেশের মধ্যে ভেদাভেদ না করে দোস্ত কে তেরা রাই, হ্যাঁ না? তো অ্যাকচুয়ালি ড্রাইভারলেস, এখানে ড্রাইভারলেস একেবারেই যে নেই তা না, এখানে আছে, বাট উনি ইমার্জেন্সিতে তখন বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করবে, অন্যান্য যা দেখালো শোনালো আমি তো জাস্ট অবাক, এরকমও হয়, এত আধুনিক টেকনোলজি, মাই গড। তো অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে তো অসম্ভব ভালো লেগেছে ভিডিওটি, অসম্ভব ভিডিওটি দেখার জন্য আমরা দুজনে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম যে কি হবে কি হবে ভিডিওটা, এবং রিসেন্টলি যেহেতু এটা এসেছে তো আমরা অনেক বেশি উৎসাহিত যে আমরা কবে ইন্ডিয়াতে যাব, এই ট্রেনে সাফার করব।
কখনোই না, অবশ্যই তোমাকে নিয়ে যাব। তো বন্ধুরা কেমন লেগেছে আমাদের এই ভিডিওটি এবং আমাদের রিয়াকশনটি? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না প্লিজ। সো গাইস, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো রিয়াকশনের সাথে। অবশ্যই রাত 9:30টার সময় আমাদের ভিডিও আরেকটা ভিডিও আপলোড হবে, অবশ্যই দেখবেন। সো গাইস স্টে টিউন, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।